और उसका जो भगवान चलते हैं रथ में, तो एक ही बार 10 लाख आदमी जो चलते हैं ऐसा आप खाओ ना थोड़ा खट्टा। अरे ऊपर आ बैठे सर, आ गया सर, उधर आ गया, उधर क्या दे रहा फोटो में ले रहा हूँ सर। ये फीड नहीं देते हो क्या? किडनी देते हैं सर, किडनी देते हैं सर। ये भी है सर, एक छोटा वाला है सर, दिया है आप लोग। कितना है? कितना दीदी मैंने को तो लो नहीं, आप तो गौरनाथ मंदिर में जाने से वो पानी का व्यवस्था है, इधर बने वहाँ जो जाएगा तो वो पूरा पानी में घुस के जाएगा। वो जो आप बोले ना सर, बोले सर कर दिया था तो हम बोले सर सबको खोल देंगे, खोल दिया। चार द्वार है सर यहाँ पे, चार द्वार है यहाँ पे, तो चार द्वार बनाओ तुम भी है सर, चार द्वार बनाओ, चार साइड से लोग आए आए है। मैं पहले भी जब मंत्री था उस समय में इस स्थान में मैंने आया था और इस स्थान को देख के माता का दर्शन करके मैंने किया। इस बार का दौरा होने के बाद आज मैं हमारे साथ हमारा एमपी महोदय मंत्री महोदय ये है, हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं भारत सरकार के। और इस मंदिर का डेवलपमेंट करने के लिए और ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, पब्लिक सुविधा बनाने के लिए 36 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। उसका काम काज क्या है इसके बारे में कलेक्टर महोदय से भी हम लोग डिस्कशन किया, लेकिन आप लिखित में कागज में बाकी ब्यौरा के साथ हम लोग को भी देंगे और इसमें जो जो आवश्यक है आगे चल के भारत सरकार और यहाँ का राज्य सरकार ये इसको बनाएंगे और लोगों का काम करेंगे, तो इसमें अच्छा फैसिलिटी हो, लोग आए माता का दर्शन ले, उसके साथ साथ भी कुछ समय यहाँ बैठ के बिता के वो फैमिली के साथ मन आनंदित करके जाए, इसके लिए ये जगह है। ये बहुत प्रख्यात तो देवी है और हम लोग दर्शन किया और हम लोग आशीर्वाद मांगा, देश का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, ऐसा हम लोग आशीर्वाद।